हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन पॉइंट विला। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिडी की कटिंग। तो फ्रेंड्स, गर्ल्स की मिडी की कटिंग कैसे करनी है बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जो लेंथ है वो हम मेज़र करेंगे, जिसमें हम 14 इंच जो है वो बॉडी का पार्ट कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने जो मिडी बनानी है वो हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े में सबसे पहले हम इसका यहाँ से बॉडी का निशान लगा के बॉडी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम जो है हमारी 14 इंच रेडी है। तो हम ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 14 इंच जो कपड़ा है हमारा वो निकाल लेंगे। इस तरह से मार्क करते हुए, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, ये देखिए इस तरह से 14 इंच का मार्क लगाएंगे। यहाँ से, और यहाँ से हम ये फैब्रिक जो है यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कट कर दिया। इसके बाद ये हमारा नीचे का फैब्रिक है, जो कि हम इसमें हमारा जो नीचे का घेरा है वो बनाएंगे, तो वो कमर के अकॉर्डिंग बनेगा। सबसे पहले हम बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक साइड से जहाँ से फैब्रिक का मुंह खुला हुआ है, दोनों को हम पास में जोड़ेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जितना कि आपकी मेज़रमेंट है, आप उतना फैब्रिक जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ले लें। जैसे कि यहाँ पे हम मैं जो तीरा लूँगी वो 7 इंच लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। 7 इंच पे हमने मार्क कर लिया है, और उसके बाद यहाँ से भी डाउन में भी हम 7 इंच लेंगे, और इधर हम आधा इंच जो है वो डाउन करेंगे। इस तरह से आधा इंच डाउन कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ से जो यहाँ पे हमारा शोल्डर आएगा वो हम 7 इंच रखेंगे, 7 इंच, क्योंकि ये देखिए हमारी छाती का नाप जो है यहाँ पे वो है 32, तो इसका जो 4th पार्ट है वो 8 आएगा। 8 पे मार्क कर लेंगे, ये हमने 8 पे मार्क कर लिया, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन के बाद हम यहाँ पे जो है वो सीधा ही निशान लगा लेंगे इधर से, क्योंकि हमारी कमर जो है, कमर हमारी है 26 इंच, हमारा इसमें 6.5 हमारी कमर की जो, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स 26 है, तो 26 पे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद हम इस तरह से जो हमारा यहाँ पे मार्क है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से पूरा नीचे की तरफ मिला लेंगे। मिला लिया, अब हम यहाँ से शोल्डर की जो है गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से कटाई, ये देखिए फ्रेंड्स, मार्किंग होने के बाद अब हम इस पे कटिंग करेंगे। यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट करेंगे कटिंग, और पूरा बाहर की तरफ कटिंग हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ से, शोल्डर की कटिंग, इस तरह से ये हमारी बॉडी की कटिंग आ गई है। अब हम, हमारी बॉडी की कटिंग हो गई है, तो अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे साथ में। तो ये हमारा यहाँ से फैब्रिक है जो कि हमने बचाया हुआ था, तो इसको हम नीचे अटैच करेंगे। इसको मैं आपको सीधी तरफ से ही मार्क करके बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सीधी तरह से इस तरह से हम इसको डबल
फोल्ड कर लें, कोने से कोना आपने मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे जो बंद एरिया है हमारा इस तरह से ज्वाइंट होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इतना ज्वाइंट होगा। और यहाँ से कॉर्नर से इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आएगी, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इस तरह से शेप देनी है इसको। यहाँ से आप मार्क करते हुए फैब्रिक थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है तो इसमें मार्कर जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से आप यहाँ रख के तो इसको यहाँ बॉडी के साथ जो है वो अटैच कर लें। और यहाँ से हमने थोड़ी सी इसको कर्व देना है जो कि इसको ऐसे सर्कल की शेप में इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो ये जो मार्किंग है वो कुछ इस तरह से होगी फ्रेंड्स। यहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी ये वाली शेप है जहाँ पे हमने यहाँ पे सर्कल बनाया था उसको इस तरह से राउंड शेप में आप कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो मीडी की कटिंग है वो हो चुकी है और देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। यहाँ से हम अटैच करेंगे, हम नेक बनाएंगे, इधर नेक का डिज़ाइन होगा यहाँ पे और इधर से नीचे को ये। तो ये कुछ खोल देती हूँ मैं तो आपको वो शो करती हूँ, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको दो मीटर फैब्रिक में आप आराम से ये बना सकते हैं और इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो घेरा है वो भी इसमें अच्छा आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनी है। तो आइए अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। नेक जो है इसका बोट नेक है, बोट नेक की कटिंग के वीडियोस जो हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें हमने उसकी कटिंग बताई है और साथ में स्टिचिंग भी बताई है। तो यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करते हैं। नेक जो है वो हमने बोट नेक बनाया है, तो बोट नेक की फैब्रिक जो है वो स्ट्रेचेबल है तो इसमें हम स्टिचिंग से ही नेक को यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको अटैच करते जाएंगे। धागे वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे कट करते जाएंगे। आप इसको स्टिच करते जाएं, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपका नेक जो है वो यहाँ से डिज़ाइन हो जाएगा। ये नेक आ गया है और अब इसका बैक का नेक जो है वो हम सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दोनों नेक हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये फ्रंट का है और ये बैक का है, और बैक का भी नेक जो है वो प्रॉपर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी को इस तरह से अटैच कर लेंगे, इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप शोल्डर अटैच कर लें। पहले हम फ्रंट साइड से करेंगे फिर इसको बैक में उलट देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब शोल्डर को हम उल्टी तरफ से जो है सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने इसको डबल कर लेना है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन जो है वो बन के आएगा फ्रेंड। बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं, कुछ थोड़े ही टाइम में आप इसको बन पाएगा आपसे ये। आप दूसरा शोल्डर सिलाई कर लें। शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो इसमें फिटिंग का काम है वो फिटिंग का काम कर लेंगे, फिटिंग लगा लेंगे। बॉडी की जो हमने फिटिंग है वो लगा ली है। अब हम सबसे पहले यहाँ तक हमारी फिटिंग लग चुकी है। ये जो इसका हमने नीचे वाला पार्ट जो था वो कट करके रखा है, इसमें एक एक पार्ट को पकड़ के इस तरह से आप या तो मार्कर से सेंटर लगा लें या फिर कट्स लगा लें। आप इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कट लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे कट लगा लिया। कट लगाने से क्या हो गया, ये आपका मार्क हो गया यहाँ से। इसमें भी, इस पोर्शन में भी हमने कट लगा ली है, सेंटर कट है ये। अब आपने क्या करना है, इस कट को इसके साथ आपने ज्वाइंट करना है। ये देखिए, कट से कट मिलाया और फिर हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे एक पीस के साथ। इस तरह से सेंटर से सिलाई करनी है और एक तरफ आ जाना है, वहाँ से मुड़ के आपने दूसरी तरफ लगा लेनी है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से ये, यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करी और इस तरह से एंड पॉइंट तक पहुँच गए। अब एंड पॉइंट तक पहुँच गए तो यहाँ से मुड़ के एक तो ये डबल हो जाएगी, सिलाई डबल हो जाएगी और दूसरी तरफ इसको हम दूसरी तरफ की सिलाई कर पाएंगे। अब बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जो है वो साथ साथ में देते रहें, क्योंकि अगर स्ट्रेचिंग, मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रेचिंग नहीं देंगे तो ये बीच में सिलाई जो है वो कहीं कहीं छोड़ देगा, क्योंकि ये फैब्रिक ही वैसा है, क्योंकि स्ट्रेचिंग फैब्रिक है। देखिए इस तरह से, यहाँ से आप फैब्रिक को जोड़ते हुए ये इस तरह से जुड़ा हुआ आएगा। यहाँ से जुड़ गया है, ये जॉइंट हो गया है। अब सेम प्रोसेस आप बैक साइड भी यूज़ करें, दूसरी तरफ से यहाँ से सिलाई कर रहे हैं। कंप्लीट हो गया है, इसकी फिटिंग लगाना स्टार्ट करते हैं। फिटिंग यहाँ पे फैब्रिक को हम फैब्रिक की सिलाई के साथ मिलाते हुए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, हम सिलाई को मिला लेंगे। और बाहर की तरफ आते जाएंगे। हम यहाँ पे लास्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम जो है फ्रेंड्स, एक तरफ से आपने जो फिटिंग लगा ली है, उसके बाद इसके जो घेरा है उसको आप फोल्ड मार लें, क्योंकि एक तरफ से स्टिच हो गया, दूसरी तरफ से आप फोल्ड कर लेंगे और साथ में उसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इसमें जो जॉइंट है वो एक ही साइड आता है।
यहाँ से आप अटैच करेंगे। हम दूसरी तरफ से हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कमर के मेजरमेंट के साथ हम नीचे की ओर तरफ बढ़ते हैं, जिस तरह से हमने पीछे लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आप यहाँ पे जो सिलाई है वो कंप्लीट होने वाली है। फिर उसके बाद हम स्लीव्स का काम करेंगे इसमें, क्योंकि ये विदाउट स्लीव नहीं है, स्लीव लगाना है हमें। इसको डबल लॉक कर लेंगे, ट्रिपल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिडी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये इसका घेरा है और ये कुछ इस तरह से है, ज़्यादा ब्रॉडर में नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ए शेप पे है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए ये हमारी बॉडी है, नीचे से बहुत ही बढ़िया आई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपने स्लीव लगानी है तो आप लगाएं, अगर नहीं भी लगानी है तब भी आप इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रही है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। अब हम यहाँ पे जो है वो बेल्ट का काम करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है वो आपको आगे प्रोसेस बता। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव बनने जा रही है और ये हमने थोड़ा सा इसमें ऊपर की तरफ कर्व दिया है और ये कुछ इस तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्लीव अटैच कर लें। बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो ये जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उसमें इजीली लग जाती हैं। सेम फैब्रिक, सेम प्रोसेस है, किसी भी फैब्रिक में आप ये मिडी जो है वो आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम आपको सीधा करके बताएंगे। हाँ, ये देखिए ये जो स्लीव है वो बिल्कुल अटैच हो चुकी हैं इस तरह से। ये इस तरह से थोड़े से कर्व में है, ये दूसरी स्लीव है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है स्लीव अटैच करने का। तो इस तरह से ये पूरी रेडी हो गई है स्लीव लगा के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिडी का डिज़ाइन बना है, ये देखिए। और इसकी स्लीव हम अटैच करती हैं। ये देखिए इसका सेमी जो घेरा है बिल्कुल ज़्यादा भी ब्रॉड नहीं है। और ये जो बेल्ट डाली है जिसमें हमने, ये देखिए साथ में ये लटकन बनाए हैं मैचिंग, बहुत ही जो इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपनी जो ड्रेस है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मिडी ड्रेस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम और बूस्ट होंगे और हम आपके लिए और इसी तरह से क्रिएटिव वीडियोस जो हैं वो लेके आएंगे। थैंक यू।